इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए नए साल से ट्रेनों में एक और सुविधा देने की बात कही है, जिससे अब ट्रेनों में सफ़र करने वालों को बिना रिजर्वेशन के सफ़र करने का मौका मिल जाएगा। बता दें कि अब आप जनरल डिब्बों में अनारक्षित टिकट से यात्रा कर सकते हैं। कोरोना जाने के बाद रेलवे एक बार फिर से पहले जैसे नियम निर्देशों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अब यात्रियों को उनकी पुरानी सुविधाएं धीरे धीरे मिलने लगी हैं। जनवरी से कर सकते हैं यात्रा। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे ने 1 जनवरी 2021 से बिहार और उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में, जिनमें 20 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल रहेंगी, जनरल डिब्बों पर अनारक्षित टिकट के जरिए यात्रा करने की अनुमति मिलने पर यात्रियों में काफ़ी खुशी का माहौल है। जिन ट्रेनों में आप जनरल टिकट से बैठ पाएंगे तो एक बार पहले इन ट्रेनों के नाम और उनके नंबर और उन बोगियों के बारे में अच्छे से जान लीजिए जिनके बारे में आपको कोई जिसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए जानते हैं उन सभी ट्रेनों के डिब्बे, उसके रूट के बारे में जिनमें जनरल टिकट से यात्रा हो सकेगी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन नंबर 125-31-32 गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। इस ट्रेन में गोरखपुर से लखनऊ तक आप D12 और D15 और DL1 में यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन संख्या 15007 और 08 कृषक एक्सप्रेस। इस ट्रेन का वाराणसी से लखनऊ सेक्शन जनरल टिकट से यात्रा करने के लिए रहेगा। इस ट्रेन का D8 और D9 कोट अनरिजर्व रहेगा। ट्रेन संख्या 15009 और 10 गोरखपुर मेलानी एक्सप्रेस। इस ट्रेन में आप D6, D7, DL1 और DA2 जैसे कोच में जनरल टिकट लेकर बैठ सकते हैं। ट्रेन नंबर 15043 और 44 लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस। इस ट्रेन में आप लखनऊ से काठगोदाम तक D5, D6, DL1 और DL2 में बैठ सकते हैं। तो वहीं ट्रेन नंबर 15053 लखनऊ छपरा एक्सप्रेस में भी आप लखनऊ से छपरा सेक्शन में इस ट्रेन के D7 और D8 बोगी में बैठ सकते हैं। ट्रेन नंबर 15069 और 70 गोरखपुर ऐसबाग इंटरसिटी एक्सप्रेस में आप गोरखपुर से ऐसबाग के बीच इस ट्रेन के D12, D14 और DL1 बोगी में सवार हो सकते हैं। वहीं अब बात करें 150-84-83 फर्रुखाबाद छपरा एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन का भी फर्रुखाबाद से छपरा तक जितने भी स्टेशन हैं आप उनमें D7 और D8 बोगी में जनरल टिकट लेकर बैठ सकते हैं। ट्रेन संख्या 15103 और 04 गोरखपुर बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस में भी बनारस से गोरखपुर सेक्शन में D14 और D15 बोगी में बैठा जा सकता है। इसके अलावा दो ट्रेनें और हैं जिनमें आप जनरल टिकट से बैठ पाएंगे, तो उनमें 151-05-06 छपरा नौतनवा इंटरसिटी, छपरा से नौतनवा सेक्शन पर D12 और D13 बोगी में यात्रा की जा सकती है। और सबसे आखिरी में है 15113 और 14 छपरा कचहरी गोमती नगर एक्सप्रेस, जिसमें आप छपरा गोमती नगर सेक्शन में D8 और D9 बोगी में यात्रा कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।